हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं JEE BIELTS 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, JEE BIELTS 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर इनकेस और कोई भी नया अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो गाइस हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं JEE BIELTS 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा, तो आपके सामने का इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेना है गाइस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना जो फर्स्ट नेम है वो आप लोगों का जो है फर्स्ट नेम एंटर कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे गाइस अपना मिडिल नेम एंटर कर देना होगा, आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पे जो है अपनी एंटर कर देनी है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर ले लिया है। अपनी नेशनलिटी आप लोगों को यहाँ पे लिख देनी है। आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो प्लेस आपको यहाँ पे लिख देना होगा। आपका शादी का स्टेटस क्या, मैरिज नॉन मैरिज या फिर जो भी आपका स्टेटस है वो लिखना है। टेंथ का आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। पासिंग ईयर का था आपका टेंथ का वो सेलेक्ट कर लेना है। टेंथ आपने कौन से बोर्ड से दिया वो आपको कंफर्म कर लेना है। देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। अगेन आप लोगों को जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है फिर कंफर्म यहाँ पे कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को मोबाइल नंबर एंटर करके बता देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को अपनी जो ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी रहेगी एक्स वाई से, जो भी ईमेल आईडी है वो सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे, मीन आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है। देन अगेन आपको जो ईमेल आईडी वेरीफाई करने में जो सेम अभी आपने जो ईमेल आईडी लिखी थी वो ईमेल आईडी अगेन आपको यहाँ पे रिपीट करनी होगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना, पीएचडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिखा दे रहा है सेम कैप्चा गाइस एज इट इज आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। केस सेंसिटिव भी रहता है गाइस, तो इसलिए आपको जिस तरह से दिया एज इट इज वैसे ही जो है मिस कैप्चा फिल करके सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे गाइस आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप आसानी से जो अपना आपका एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरह से फिल होकर रजिस्टर हो जाएगा और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप आसानी से जो पूरी तरह से फिल करके सबमिट कर पाएंगे और आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। सो गाइस आपको सेम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर देना है। और फॉलो करने के बाद गाइस सिंपली आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा और आपका जो है पूरी तरह से जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो गाइस आई होप कि भी आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।